Hey guys, welcome back in my channel. This is Bharvi and आज का वीडियो मेरा गार्डनिंग रिलेटेड है. मेरे घर में 6 to 7 पॉट ऐसे हैं जिनके अंदर ऑलरेडी प्लांटेशन किया हुआ है, बट वो 2 से 3 साल पुराने हैं, सो वो काफ़ी डल दिखते हैं. सो मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं उनका मेकओवर करूँगी. जिस तरीके के मार्केट में कलरफुल पॉट मिलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके के पॉट आज मैं बनाने वाली हूँ. सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. ये मेरे पुराने पॉट्स हैं जिसे मैं पेंट करके बिल्कुल नए जैसे बनाने वाली हूँ. अगर आपके पास भी इस तरीके के प्लास्टिक के पुराने पॉट हैं तो आप भी इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए उन पर इजीली पेंट कर सकते हो एंड अपने पुराने पॉट को एक नया लुक दे सकते हो. सबसे पहले मैं पॉट पर वाइट कलर अप्लाई कर रही हूँ. वाइट कलर में मैं यहाँ पर एशियन पेंट का वॉल प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. मैं यहाँ ब्रश की हेल्प से रैंडमली फर्स्ट कोटिंग अप्लाई कर लूँगी. फर्स्ट कोटिंग पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी है, तो अब मैं स्पंज की हेल्प से फाइनल कोटिंग अप्लाई करूंगी. आप दोनों कोटिंग को स्पंज से अप्लाई करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, बट ब्रश से थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए मैंने पहले ब्रश यूज़ किया था. तो फाइनल कोटिंग ड्राई होने के बाद पॉट कुछ इस तरीके का दिखेगा एंड अब मैं इस पर पिंक कलर करूँगी. आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हो. तो सबसे पहले मैं पॉट के ऊपर के पार्ट में पेंट कंप्लीट करूँगी. एंड अब मैं पॉट के नीचे के पार्ट में पेंट कर लूँगी. अब जो बीच में वाइट कलर है वहाँ मैं पिंक कलर के यूज़ से बड़े डॉट बनाऊंगी. बड़े राउंड डॉट बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस तरीके का एक राउंड ढक्कन यूज़ कर रही हूँ. आप भी इस तरीके का कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो. इन राउंड डॉट के बीच में जहाँ पर कलर नहीं लगा है वहाँ पर मैं ब्रश की हेल्प से कलर फिल कर दूंगी. तो इस तरीके से हम इजीली परफेक्ट राउंड डॉट पूरे पॉट के ऊपर बना देंगे. तो रेडी है हमारा फर्स्ट पॉट एंड ये सच में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है. इसी तरीके से मैं सेकंड पॉट पर भी पेंट करूंगी. इस पॉट के लिए मैंने ब्लू कलर चूज किया है. मैंने ये कलर पैटर्न मेरे पॉट की डिजाइन एंड शेप के अकॉर्डिंगली डिसाइड की है. आप इसी कलर पैटर्न को फॉलो भी कर सकते हो या तो फिर आप अपने पॉट के शेप के अकॉर्डिंगली इस कलर पैटर्न को चेंज भी कर सकते हो. इन सब के साथ मुझे आपको एक और बात भी बतानी है. अभी तक मेरी चैनल पर 90% व्यूअर्स ऐसे आते हैं जिन्होंने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें. पहले वाले पॉट की तरह ही इस पर भी मैं बड़े राउंड डॉट बना लूँगी. तो रेडी है हमारा सेकंड पॉट. इसी तरीके से मैंने बाकी के पॉट्स भी बना लिए हैं.
मैंने सभी पॉट्स पर एक जैसी ही पैटर्न रखी है एंड मैंने 7 डिफरेंट कलर्स के 7 पॉट्स पेंट कर लिए हैं। अगर आप भी ये DIY प्लांटर पॉट पेंटिंग ट्राई कर रहे हो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। आप देख सकते हो कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो एंड प्लांटर पेंटिंग का आइडिया पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो इसे एक बिग थम्स अप दे दीजिए एंड जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।